आपकी स्क्रीन पर जो है आ चुका है पोषण माह का गतिविधि कैलेंडर। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो भी कार्यक्रम होगा मुख्य थीम है प्रतिभागी है नोडल अधिकारी है इनका जिक्र जो है किया गया है। 1 सितंबर तो आपका कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, हम शुरुआत करेंगे 7 तारीख से। 7 से लेकर जो है 9 सितंबर के बीच के कार्यक्रम के तहत जो है मुख्य थीम रखी गई है स्वस्थ बालक स्पर्धा गतिविधि रखी गई है। भजन दिवस का आयोजन होगा, समस्त जो है ग्राम पंचायत वार्डों आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष भजन अभियान संचालित कर वृद्धि निगरानी होगी। सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन और स्वास्थ्य बच्चों का चिन्हित कर पुरस्कार वितरण होगा। मेहंदी प्रतियोगिता होगी और इसमें प्रतिभागी जो है आंगनबाड़ी कर्मी आशा ग्राम प्रधान अध्यापक स्वयं सहायता समूह रहेंगे। आपको बता दें ये प्रतिभागी सभी जगह सेम टू सेम है, इसलिए हम बार बार इनके बारे में नहीं जानेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें नोडल अधिकारी के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी DPO और जिला पंचायत अधिकारी यानी कि समस्त जो विभाग जो हमने आपको बताया इनके अलग अलग अधिकारी जो है रहेंगे, वही समस्त CPO भी रहेंगे। बात करते हैं 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच जो है मुख्य थीम रखी गई है पोषण भी पढ़ाई भी, और इस जो है थीम के तहत गतिविधि का आयोजन जो होगा ACCE गतिविधि होगी। स्थानीय खिलौनों का उपयोग कर समुदाय को जोड़ने हेतु ACCE और खेलों और पढ़ो विषय को बढ़ावा, स्थानीय उपलब्ध सामग्री से हस्तनिर्मित खिलौनों का प्रदर्शन होगा। गोदभराई 12 तारीख को आयोजित की जाएगी और BHSNDB कार्यक्रम होगा, इसमें भी वही जो है प्रतिभागी होंगे जो हमने पहले आपको बताया। नोडल अधिकारी के तौर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी DC NRLM जिला पंचायत राज अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच जो कार्यक्रम होंगे उसमें मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ावा देना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन संरचना बनाना थीम होगी, और इसमें जो है कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मॉडल वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण, वर्ष जल जो है वर्षा का जल होगा संचयन को बढ़ावा, कैसे वर्षा के जल को एकत्रित करके उसको जो है उसके लिए कार्यशाला का आयोजन, समुदाय में जल संचयन के स्रोतों की सफाई हेतु विशेष अभियान के बारे में और नुक्कड़ नाटक भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित अभी किए हैं या फिर नहीं। जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमें जो है अपने फोटोग्राफ्स वीडियो भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको यह स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें वीडियो फोटो शेयर आप लोग कर सकते हैं। याद रखिए क्वालिटी फ़ोटो की वीडियो की अच्छी होना चाहिए, जिस जगह से आप फोटो या वीडियो भेज रहे हैं उस जगह का नाम आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जरूर लिखकर भेजें। खैर वापस आते हैं, इसमें भी जो है आपको बता दें नोडल अधिकारी के तौर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी DPRO भी होंगे यानी पंचायत राज अधिकारी और शासी अभियंता जल निगम भी इसमें सम्मिलित होंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं अगली तारीख हमारे पास आ रही है, स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं अगली तारीख जो है 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच की आ रही है। इस दौरान जो है थीम रखी गई है मोटे अनाज एवं पोषण वाटिका का उपयोग करते हुए खाद जो है पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना। मोटा अनाज यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि मोटा अनाज जो है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चल रहा है, मिलेट्स जो है ईयर है, तो निश्चित तौर पर मोटे अनाज को प्रमोट काफ़ी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई बार कह चुके हैं तो इसी कारण से मोटे अनाज का उपयोग के बारे में यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। और इसमें जो है थीम के तहत जो है समस्त आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत मोहल्ला वार्ड में मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों की रेसिपी प्रतियोगिता होगी। मोटे अनाज का प्रोत्साहन, मोटे अनाज के विषय पर जागरूकता अभियान, विद्यालय एवं मदरसों में निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, BHSND का भी जिक्र है। और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी, ग्राम प्रधान पंचायत सचिव होंगे, आशा अध्यापक स्वयं सहायता समूह शामिल होंगे, अधिकारी के तौर पर जो नोडल अधिकारी होंगे, नोडल का मतलब होता है मॉनिटर करेंगे कि आप लोग ये सब कर रहे हैं या फिर नहीं, ये लोग रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी DC NRLM जिला पंचायत, ये देखिए जो अधिकारियों के नाम बता रहे हैं ये सब अलग अलग विभागों के, जैसे कि आंगनबाड़ी विभाग के अधिकारी होगा DPO, और इसी के साथ ही पंचायत सचिव ग्राम गाँव के अधिकारी होगा जिला पंचायत अधिकारी, और इसी के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी होगा जिला बेसिक अधिकारी, और इसी के साथ इसमें तो DIOs भी सम्मिलित हैं और जिला कृषि अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, समस्त EO भी सम्मिलित रहेंगे, CDPO तो सम्मिलित सभी में हैं। तो अब बात कर लेते हैं 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच जो कार्यक्रम होगा उसकी मुख्य थीम रखी गई है आयुष पद्धति तथा योगा गतिविधि। जाहिर सी बात है थीम के अनुसार होगी, जागरूकता सत्र का आयोजन होगा, औषधीय पौधारोपण, आयुष जीवन शैली हेतु प्रोत्साहन, योगा कैंप, पोषण वाटिका, साइकिल रैली, रंगोली प्रतियोगिता, BHSND सभी में है। प्रतिभागी बता ही चुके हैं सेम टू सेम है, नोडल अधिकारी भी इसमें सेम टू सेम है, यानी कि जैसा कि ऊपर है वैसा ही नोडल अधिकारी नीचे भी हैं। ज़्यादातर नोडल अधिकारी और प्रतिभागी समान हैं, इस कारण से हम कम ही इनका जिक्र करेंगे। हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर
जो मुख्य थीम है वो कार्यक्रम है उन पर हमारा फोकस होगा। कार्यक्रम का मतलब होता है गतिविधि, जो भी गतिविधि आयोजित की जाएगी। फिर से आपको बता देते हैं, 2018 में पोषण माह की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर का ये पोषण माह होता है, इसका मतलब है पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सिर्फ यूपी में नहीं। और प्रगति रिपोर्ट भी जो है अलग अलग जनपदों में भेजी जा रही है, अलग अलग जनपदों से भेजी जा रही है। आपको बता दें उस शासन से लेकर आपको बता दें नेशनल लेवल तक इसको मॉनिटर किया जाता है, और इसके ही हिसाब से जो है आपको बता दें योजनाएँ भी तय की जाती हैं। अब बात करते हैं 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच मेरी माटी मेरा देश, ये मुख्य थीम रखी गई है। गतिविधि का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंच प्रण, प्रतिज्ञा, अमृत वाटिका का निर्माण, वीरों का जो है बंधन, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान, हॉट बाजार गतिविधि और BHSLD गतिविधि का जिक्र है। प्रतिभागी समान है और नोडल अधिकारी भी समान है। यहाँ पर EO भी देख रहे हैं आप लोग, EO सम्मिलित किए जाए, नगर पालिका के, नगर पंचायत के समस्त CDPO हो रहे हैं। और इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर, 27 और 28 यानी दो दिन जो है काम होगा एनीमिया से जुड़ा हुआ, यानी कि इसकी थीम रखी गई है एनीमिया की जांच, उपचार एवं प्रबंधन। गतिविधि जो है आयोजित की जाएगी अन्नप्राशन की, जो 26 तारीख को होगी, समस्त ग्राम पंचायत में होगी, केंद्रों में भी होगी, मोहल्लों में भी होगी, वार्डों में एनीमिया जाँच हेतु कैंपों का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ ही प्रतिभागी और नोडल अधिकारी समान है। और इसी के साथ ही कोई भी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। आज बहुत दिनों बाद लाइव भी आए थे, तो आप लोग अगर लाइव नहीं जुड़े थे कोई बात नहीं, अब रेगुलर बेस में लाइव आने का प्रयास किया जाएगा। जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा जाकर आप आज का लाइव देख सकते हैं। बात करते हैं 29 और 30, जो अंतिम समय है 30 सितंबर और 29 सितंबर, संपूर्ण पोषण, यानी कि ये जो है समाप्ति की ओर हम बढ़ चुके हैं। संपूर्ण पोषण जो है मुख्य थीम रखी गई है, और गतिविधि का जो है आयोजन होगा पोषण के 5 सूत्र पर संवेदीकरण गतिविधि, दीप उत्सव, BHSLD, इस तरीके की गतिविधि का आयोजन होगा। मुख्य थीम संपूर्ण पोषण रखी गई है। प्रतिभागी वही होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आशा, ANM, अध्यापक, स्वयं सहायता समूह और नोडल अधिकारी का भी यहां पर जिक्र किया गया है, जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आपको बता दें CMO होते हैं, स्वास्थ्य विभाग से चूंकि आशा सम्मिलित हो रही, तो इनके नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी चूंकि आंगनबाड़ी कर्मी है, जिला पंचायत राज अधिकारी चूंकि आपको बता दें पंचायत सचिव हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चूंकि अध्यापक भी सम्मिलित हैं, और जिला विद्यालय निरीक्षक तो ये भी अध्यापक से ही जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी फिर से बता देते हैं मॉनिटर करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होगा तो ये कार्यक्रम कैसे आयोजित होंगे, कौन आयोजित करेगा भी कोई नहीं करेगा, तो इसलिए नोडल अधिकारी बना दिए जाते हैं। तो भाई आप मॉनिटर करेंगे कि ये कार्यक्रम हो रहा है या फिर नहीं। ये पूरे आपको बता दें देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये 30 सितंबर तक लगातार चलेगा। 2018 से शुरुआत हुई थी, पोषण माह ये मनाया जा रहा है। और बाकी आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र से तस्वीरें हम तक भेज सकते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।